हेलो दोस्तों, मैं सुरेश आर्य और आप देख रहे हैं आर्य टेक गुरुजी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं YouTube वीडियो अपलोड करने का बेस्ट तरीका। 2022 में सब कुछ चेंज हो चुका है, सारे अपडेट आ चुके हैं, सब कुछ चेंजिंग आ चुकी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2022 में इसके बाद आप जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका बेस्ट तरीका क्या है, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से करेंगे, मोबाइल से करेंगे। मैं आपको यहाँ पे अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे ले जाके आपको लाइव दिखाऊंगा और वीडियो अपलोड करके भी दिखाऊंगा। और क्या सही तरीका है इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके साइन अप बेल आइकन दबा के ऑल क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे साइड में राइट साइड में आपको तीन बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने डेस्कटॉप मोड को, मेरा ऑलरेडी इनेबल है, आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों ये आपका इनेबल हो जाएगा। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है studio.youtube.com करेंगे, यहाँ इसको ओके करेंगे। आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और जैसे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपका चैनल का लोगो आ गया, यहाँ पे क्रिएट कैमरा बना हुआ आ गया, तो आपको ऑप्शन में जाना है क्रिएट। क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा अपलोड वीडियो। हम यहाँ से अपलोड वीडियो में गए। अपलोड वीडियो में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट फाइल आ गया, हमें सिलेक्ट फाइल करना है। हमने जैसे सिलेक्ट फाइल करेंगे यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाता है कि हम अपनी फाइल जो हमने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल में किया हुआ है, पूरा करके दिखाऊंगा आपको। मोबाइल में मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो हमें यहाँ पे मेरा काइनेमास्टर में है, मैं काइनेमास्टर शूट करता हूँ वीडियो, तो यहाँ पर काइनेमास्टर मेरा आ गया है। काइनेमास्टर आने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाऊँगा क्योंकि मैंने वीडियो एक्सपोर्ट की हुई है। तो जैसे मैं एक्सपोर्ट में यहाँ पे गया तो यहाँ पे मेरी फ़ाइल आ गई है जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया लास्ट फाइल, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये हमारा अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बैक आ जाना है और अब यहाँ पर टाइटल, अब यहाँ पर नंबर आया टाइटल का। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर टाइटल आप अपने आपने सोचा ही होगा कि हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, कुछ भी डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। सॉरी ये माइक काम नहीं कर रहा है तो मुझे टाइप ही करना होगा। कभी भी ध्यान देना, जो भी आप टाइटल रखेंगे उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, वो थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है। यहाँ पे मैंने किया हाउ टू अपलोड YouTube वीडियो, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ला सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के बाद ही कर दिया। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे मैं हमेशा एक लाइन अगर इंग्लिश में आप पहले लिखूँगा तो बाद में हिंदी में लिखूँगा, अगर पहले हिंदी में लिखूँ तो लास्ट बाद में हिंदी लिखूँगा। यहाँ पे मैं एक और दे दूँगा, ये आप फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आप शो कर देंगे YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने कर दिया, टाइटल हमारा हो गया। टाइटल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको एट द रेट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। अगर एट द रेट का हमारा फ़ायदा ये होता है, अगर हम एट द रेट के बाद किसी का भी बड़े यूट्यूबर का नाम मेंशन करते हैं, एट द रेट लगा के यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें चांसेस ये होते हैं कि आपकी वीडियो उनके चैनल पे, उनके सब्सक्राइबर पे जा सकती है, ये चांसेस होते हैं। तो ये हमारा है टाइटल, इसके बाद आप टाइटल पूरा लिखेंगे। सेम टाइटल आपको यहाँ पे लिखना है जो आपने वहाँ पे लिखा है, हाउ टू अपलोड
यूट्यूब वीडियो, सेम टाइटल आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन में टाइटल आ गया तो आप नीचे आएंगे, एक लाइन स्पेस देना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आपको अब आना है अबाउट सेक्शन देना है अपना। जैसे कि अबाउट लिख के यहाँ पे आपने किया, हेलो दोस्तों मेरा चैनल का नाम ये है, मैं ये हूँ और मैंने ये वीडियो जो आपके लिए बनाई है उसमें आपको ये बताया कि आप YouTube वीडियो में YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका आपका क्या है, अगर मेरे चैनल आपको अच्छा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब आप अबाउट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक अच्छा सा बना के पैराग्राफ बना के वो पहले आप बना के, जैसे कि मैं पहले बना के रखता हूँ फिर यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अबाउट सेक्शन में डाल दिया है, फिर आता है हमारा हैशटैग। कम से कम YouTube बोलता है कि आप 14-15 हैशटैग लगा सकते हैं, ये भी हमारे चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे मैं तो स्वयं से ये करूँगा कि 2-3 लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा मत लगाइए। करना ये है यहाँ पे आप हैश लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउ टू अपलोड, अभी मैं आपको ऐसे लिख करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका हैशटैग होगा उसके कोई भी वर्ड्स के बीच गैप नहीं होगा, हाउ टू अपलोड लिख दिया, फिर दूसरा हैशटैग दिया, एक हैशटैग के बाद फिर गैप देना आपने, फिर हैश लगाना है, फिर आपने जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे फिर आपने फिर लिखा वीडियो अपलोड, अभी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिए, ऐसे यहाँ पे हैशटैग लगा दिए, उसके बाद आपके अपने चैनल का लिंक दे सकते हो, उसके लिए भी आप लिंक दे सकते हो। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये हमारा जो है डिस्क्रिप्शन भी हो गया है और टाइटल भी हो गया है, यहाँ पे आए हम थंबनेल में, थंबनेल में यहाँ पे अपलोड थंबनेल, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप थंबनेल सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने तो थंबनेल बनाया हुआ है, तो इसके लिए हम अपने चैनल में चले जाएंगे, चैनल में अपने इसमें मोबाइल उस पर चले जाएंगे, मोबाइल स्क्रीन में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं जो थंबनेल बनाता हूँ पिक्सेल ऐप से बनाता हूँ, पिक्सेल ऐप से बनाया हुआ है मैंने थंबनेल, तो पिक्सेल ऐप से मैंने थंबनेल बनाई हुई है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से सेलेक्ट करके मैं कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही उसको लूँ, तो मैंने ठीक है यही डाल दिया, कुछ नहीं है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा थंबनेल सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम नीचे आते हैं दोस्तों, नीचे आते हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं प्लस, इसको यहाँ पे आ जाते हैं हम, ऑप्शन हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, यस इट्स मेड फॉर किड्स पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है No, it's not made for kids। ये कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आप अपने जो आपकी वीडियो है वो बच्चों के लिए लगाना चाहते हैं, आपकी वीडियो में कुछ ऐसा नहीं कि बच्चे ना देख पाए। तो अगर इसको आप नो यस इट्स मेड फॉर किड्स कर देंगे तो इसमें क्या होगा, ये आपका बच्चे भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, बट इसमें क्या होगा कि आपके कमेंट्स ऑफ हो जाएगा, जो कमेंट्स हमें मिलता है व्यूअर से तो कमेंट्स ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ से नो, यहाँ पे नो करूँगा, मैं यहाँ पे नो रखता हूँ और यहाँ पे मैं नो रखता हूँ। तो यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे, हमें ऑप्शन आ गया शो मोर, इसको भी ऐसे छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे अब आ गया मैं टैग्स, पहले लगाए थे मैंने हैशटैग, ये है टैग्स, यहाँ पे भी आप 2-4 कीवर्ड्स हाउ टू अपडेट, हाउ टू अपलेट, मतलब आपने जिस तरह की आपकी वीडियो है आप उस तरह का हैशटैग लगा के ओके किया, आपने एक हैशटैग लग गया, फिर आपने दूसरा हैशटैग लगा दिया वीडियो, इसको भी ओके कर दे। इस तरह के आप इसमें, इस तरह के इसमें आप 500 कीवर्ड्स का हैशटैग लगा सकते हैं। ये हमारा हैशटैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे चैनल के लिए। यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज मेरी हिंदी है और इसको भी हम छोड़ देंगे,
यहाँ पे आता है रिकॉर्डिंग डेट, इसको भी आप जरूर क्लिक कीजिएगा, रिकॉर्डिंग डेट है और ऑटोमेटिकली डेट ले लेता है, और इसको भी छोड़ दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है। ये भी स्टैंडर्ड लाइसेंस, ये भी ठीक है, अलाउमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, इसको भी मैं इसको हर वीडियो में आपने छोड़ता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको वैसे छोड़ दीजिएगा। अलाउ पीपल सैम्पल एंड द कंटेंट, ये भी ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है कैटेगरीज की, आपका चैनल किस कैटेगरी का, आपने पहले अलग सेलेक्ट किया होगा, तो जैसे कि मैंने यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रखा है, तो अगर आप ब्लॉग्स हैं और ब्लॉग्स का यहाँ पे आपने पैट्स की वीडियो बनाते हैं पैट्स, या म्यूजिक की वीडियो बनाते हैं म्यूजिक ऊपर, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स नीचे, मेरा टेक्नोलॉजी का चैनल है, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रखूँगा। यहाँ पे अलाउ ऑल कमेंट, यहाँ पे मैं अलाउ ऑल कमेंट रखता हूँ, तो आप भी इसको ऐसे रखिएगा। ये पूरा सेटिंग है, ये हमारा सेटअप एक तरह का पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जाएंगे मोनेटाइजेशन में। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो यहाँ पे जाके आप इसको ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज है तो मैंने इसको ऑन कर दिया। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो तीसरा हमारा है एड सूटेबिलिटी, ये भी जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको ये नहीं आएगा। इसमें ये अब यूट्यूब के अपडेट के बाद ही आया है, तो मैं इसमें जो मैं सेलेक्ट करता हूँ नॉन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऐड आप लगा रहे हैं आपकी वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट ना हो कि आप हम आपका ऐड हटा दें, तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर दूँगा। मैंने इसको बोल दिया कि मेरा इसमें वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गलत चीज़ दिखाए, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। आप हमें यहाँ पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं तो ऑप्शन आपको नहीं आएंगे, आप आएगा आपको वीडियो एलिमेंट्स में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कुछ वीडियो देखते होंगे तो वीडियो जब ख़त्म होती है लास्ट में तो तीन चार आपके चैनल की सजेशन वीडियो दिखा देता है, वो कैसे डालने हैं आपने ताकि जिस कस्टमर ने आपका जिस व्यूवर्स ने आपका एक वीडियो दिखा है वो दूसरी वीडियो भी देख ले, उसी में ऑटोमेटिकली यहाँ जा सकता है। यहाँ पे नीचे राइट साइड में इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो, यहाँ पे आप इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो करेंगे, मैं इसमें दो वीडियो ऐड कर सकता हूँ। फिर यहाँ वीडियो आएंगे, ये वीडियो में आ गए आप। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, मोस्ट रिसेंट अपलोड, ये मतलब आपका जो सबसे नई वाली वीडियो वो अपलोड करना चाहते हैं, मैंने यस कर दिया, चलो ठीक है। फिर दूसरी वीडियो मैं इसमें डालूँगा, वीडियो में जाऊँगा, बेस्ट व्यूअर वो डालना चाहते हैं या आप अपने चूज़ करना चाहते हैं, नहीं मैं अपना दूसरी वीडियो चूज़ करूँगा, ये हमें ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी वीडियो ये इसमें आ गई है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से ये दूसरी वीडियो ले ली है। अब यहाँ पे दूसरी वीडियो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, अब क्या होगा, मेरी वीडियो चलेगी, मेरी वीडियो जैसे ख़त्म होने वाली होगी 10 सेकंड पहले ये लास्ट में दो वीडियो दिखा देगा आपको कि आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये भी हो गया। अब है चेक्स, ये चेक्स है, ये हमारे सब चीज़ को पूरी कॉपीराइट को और एड सूटेबिलिटी को सबको चेक करेगा, उसके बाद डन होगा। यहाँ पे है विजिट, ये लास्ट में आ गए। यहाँ पे कभी भी आप एक दोस्तों काम कीजिएगा, इसको सेवा पब्लिक मत कीजिएगा डायरेक्ट, मैं यहाँ पे अनलिस्ट में रखता हूँ कि जब मेरी वीडियो पूरी अपलोड हो जाएगी उसके बाद मैं उसको एक बार देखूँगा, उसके बाद मैं उसको पब्लिक करूँगा, तो मैंने यहाँ अनलिस्टेड कर रखा है, मैं यहाँ पे इसको अनलिस्टेड ही रखूँगा क्योंकि जब तक मैं एक बार देखूँगा नहीं तब तक मैं इसको पूरा करूँगा नहीं। तो अनलिस्टेड करके नीचे मैं यहाँ पे नीचे हमारा ऑप्शन आ गया सेव, बैक टू सेव, राइट साइड में नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन आ गया बैक टू सेव, मैं इसको यहाँ से सेव कर लूँगा। अब हमारा ये पूरा चेक होगा, पहले हमारी वीडियो अपलोड होगी, उसके बाद हमारे वीडियो चेक होगी, उसके बाद यूट्यूब बताएगा कि हाँ आपकी वीडियो ठीक है, उसके बाद आप अपने एक बार उसको वीडियो चला के देखिए, पूरा प्रॉपर तरीके से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कोई कमी तो नहीं रह गई आपकी तरफ से उसमें, उसके बाद आप जैसे देखेंगे तो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप जाके तब यहाँ पे जाके, अब मैंने यहाँ पे इसको ये मेरी अपलोड हो रही है, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, ये मेरी अपलोड हो रही है। तो उसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको, सिंपली आपका यहाँ का प्रोसीजर जो है वो पूरा हो चुका है, आपको इसके बाद इस वीडियो को अनलिस्ट हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, अब
आपको आना है यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में आप आएंगे, ये हमारा यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आप अपने वीडियो में जाएंगे और यहाँ पे आपको राइट साइड में कलम का निशान दिख रहा है, इसमें जाएंगे। आप पहले यहाँ से एक बार प्ले करके वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद जैसे ही इसमें जाएंगे आप, तो इसमें जाने के बाद आपको अनलिस्टेड में जाना है और यहाँ से पब्लिक कर देनी है वीडियो को। मैं अभी नहीं करूँगा पब्लिक, मैं आपको यहाँ से पब्लिक करके इसको यहाँ से ऊपर राइट साइड में सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर देना है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को चेक करके पूरा सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको कैसे मेरी वीडियो लगी, कैसे अपलोड करने का तरीका मेरा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वारी होती है, कोई सजेशन मिल रही होता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका आंसर दूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ होगा हमारा नया टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, साइड में बेल आइकन दबा के और क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।